आज मेरी वजह से वीर को इतना सुनना सहना पड़ा, क्या हालत हो गई है बेचारे की। वीर, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी, देखो सब ठीक हो जाएगा। सब खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी प्राची जिससे मैंने इतना प्यार किया, उसने कुछ पर इल्जाम लगाए, आप ही बताओ ना हर्ष, मैं प्राची के साथ ऐसा क्यों करूंगा, मैं क्यों बंद करूंगा उसे, एक मिनट लगा उसे सब कुछ भुलाने में, कुछ पर इल्जाम लगाने में, हर्ष सब भूल गई है वो, ये भी कि कितना प्यार करता हूं मैं उसे। मैं तुमको कैसे बताऊं वीर कि प्राची जो भी कर रही है वो सब आशा करवा रही है, उसमें प्राची की कोई भी गलती नहीं है। मेरा सेनापति केवल एक गाय नहीं बन सकता, तुम अपनी बीवी जनता के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर देना वीर, लेकिन मैं तुम्हें ये सच नहीं बता सकता, मैं मजबूर हूं। जिस तरह तुम अपने प्यार के लिए लड़ रहे हो, वैसे मुझे भी मेरा प्यार वापस चाहिए, और मुझे उसके लिए ये करना होगा। वीर, देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और जो ये वक्त है ना, ये हमेशा हमारे प्यार की परीक्षा लेता है। अगर तुम और प्राची एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो सब ठीक होगा, बस तुम कुछ वक्त के लिए हिम्मत रखो। शाबाश, मुझे ऐसे ही सेनापति की जरूरत थी, बहुत खूब हर्ष। प्राची से मिलकर पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है, ऐसा क्या हो गया जो उसे इतना परेशान कर रहा है, कुछ तो बात जरूर है। अरे जानवी बेटा, अच्छा तुम मिल गई, मैं तुम्हीं से मिलने जा रहा था। चाचू देखिए, आई एम सॉरी बट मुझे बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी, आकाश ने सबको बहुत क्लियरली बता दिया कि ये बच्चा हम दोनों का ही है। बेटा मैं बच्चे के बारे में नहीं, मैं प्राची के बारे में बात करना चाहता था। प्राची के बारे में? हाँ बेटा, बात ऐसी है कि वीर की हालत बहुत खराब है, बद से बदतर हो गई है उसकी हालत। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि प्राची पर किसी काली शक्ति का साया है, अगर हमने जल्दी उसके लिए कुछ ना किया तो पता नहीं। तू पता नहीं क्या चाचू, तो क्या होने वाला है बताइए चाचू। क्या हुआ प्राची, तुम ठीक हो ना, कैसी तबीयत है तुम्हारी? प्राची जो कुछ भी वीर ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम रियली वेरी सॉरी। कोई भला अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है? पता नहीं क्या हो गया उसे। बातें तो ऐसे करता है, सबको ऐसे दिखाता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा वो तुम्ही से प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद इस तरह से मारना, हाथ उठाना, सीरियसली प्राची मुझे भी इसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उसका असली चेहरा हम सबके सामने आ गया है। प्राची शांत हो जाओ, कौन करवा रहा है ये सब कुछ, किसके वश में हो तुम, किसके वश में हो प्राची, किसके वश में हो तुम? मैं किसी के वश में नहीं हूँ जानवी, मेरे से कोई भी कुछ नहीं करवा रहा, मेरा तो बस दम घुट रहा है जानवी, प्लीज से हटा दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, पकड़ो जानवी, प्राची बताओ बात क्या है, क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ, कौन है जो तुमसे ये सब कुछ करवा रही है, किसने बंद किया था तुम्हें,
वो अलमारी के अंदर किसने बंद किया था? बताओ, क्या तुम्हारा और वीर का झगड़ा हुआ था? क्या वीर ने तुम पर हाथ उठाया? बताओ प्राची, कुछ पूछ रहे। प्राची, बात क्या है? क्या हुआ है तुम्हारे और वीर के साथ? तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ, मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम ठीक है ना बेटा? सब ठीक होगा, घबराना मत। मैं बताती हूँ चाचा। हाँ, घबराना मत। जानवी को कुछ, जानवी को पता नहीं क्या हो गया। जानवी, 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 जानवी हटिए, जानवी, जानवी, क्या किया आपने जानवी के साथ? क्यों आप हमारे बच्चे के पीछे पड़े? कुछ भी नहीं किया हमने, खड़ी थी बेहोश होके, पता नहीं चला। अरे हम क्यों करेंगे अपनी जानवी के साथ ऐसा कुछ? जानवी की इस हालत की जिम्मेदार हम नहीं, तुम खुद हो, तुम खुद, जो तुम ये देख नहीं पा रहे हो कि शत्रुपा ने जानवी की क्या हालत कर दी। आप तो बस कीजिए यार। हम क्यों चुप रहे? जानवी के दुश्मन नहीं है हम, ये दूसरी बार बेहोश हुई है, अब और रुके तो देर हो जाएगी। पापा, आपको मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि शत्रुपा का बच्चा नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आप लोगों से क्यों बात करूं, मुझे भी समझ नहीं आ रही। क्या हालत हो गई है साशिक की? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी हालत बिल्कुल एक जैसी है? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैंने आकर्ष से इतना प्यार किया और उसने मुझे छोड़ दिया। तुमने प्राची से इतनी मोहब्बत की और उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम और मैं एक जैसे हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक जैसा हो। शत्रुपा, तुमने आकर्ष से जानवी को छीनने की कोशिश की और मैंने प्राची से बेइंतहा मोहब्बत की। दिक्कत क्या है शत्रुपा? नफरत की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर प्यार करने वाले से जलती हो तुम? इतनी लंबी उम्र थी तुम्हारी, कोई सच्चा प्यार नहीं मिला तुम्हें? चाहती हो ना अभी प्राची को अपने काबू में करके मुझसे दूर कर रही हो, है ना? तुम्हारे और प्राची जैसे फालतू इंसान से मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम जियो, मरो, साथ रहो, अलग रहो, खुश रहो, मुझे क्या? मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि मुझे लगता है कि प्राची और उसके परिवार वालों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिमागी संतुलन पहले से ही खराब था, तभी तो इतनी जल्दबाजी में शादी करवा दी, वरना दूल्हे के परिवार के बिना कौन सी शादी होती है? मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। मैं भी जा रही हूँ, कुछ नहीं रखा मेरे, दूर हो जाओ इस परिवार से, यहाँ घुटने से कोई फायदा नहीं है। जानवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही, अब हम लोग और लापरवाही नहीं बरत सकते। पता नहीं ये बात आकर्ष और जानवी क्यों नहीं देख पा रहे। जानवी की कोख में शत्रुपा का बच्चा पल रहा है और उसकी जान के लिए बहुत खतरनाक है, ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे दोनों जन? क्योंकि उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है चाचा जी। माँ बाप बनने की खुशी में वो ये भूल गए हैं कि जो बच्चा जानवी की कोख में पल रहा है वो बच्चा बच्चा नहीं बल्कि उनकी आने वाली मौत है। आकर्ष ना माने तो ना ही सही चाचा जी, हमें ये बच्चा अबॉर्ट करवाना ही होगा। नहीं नहीं बेटा, ये पाप है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई पाप नहीं है भाभी, अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो जानवी की जान जा सकती है, पर अपनी बच्ची को बचाने के लिए यही ठीक है। भाई साहब, एक बार तो आप कम से कम। चाचा जी, फैसला हो चुका है, जानवी की भला इसी में है कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। हम आकर्ष और जानवी को बिना बताए जल्द से जल्द ये बच्चा अबॉर्ट करवा देंगे। और एक बार फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मैंने कहा और इन सब ने मान लिया कि वो बच्चा मेरा है। अब ये खुद अपनी जानवी और आकर्ष के बच्चे को मारेंगे, और जैसे ही यहाँ ये बच्चा मरा वहाँ पैदा होगी आशा के मन में जानवी के लिए नफरत, बहुत सारी नफरत, और यही तो मैं चाहती हूँ। ये दूसरी बार बेहोश हुई है, क्या हो रहा है इसके साथ? इसका पेट ये काला क्यों पड़ रहा है? ये तो माँ और बेटे दोनों के लिए ठीक नहीं है, कुछ तो करना होगा। स्ट्रेस मत लो, प्रेगनेंसी में कमजोरी होना
चक्कर आना, बेहोश हो जाना, दिस इज वेरी नॉर्मल। वो तो ठीक है जानवी, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं हमारे बच्चे में डायन वंशांश ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को किसी भी हालत में खतरा हो। बस यही डर है जो मुझे सताता रहता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर जब एक बच्चा अपनी माँ के कोख में पल रहा होता है ना, तो वो अपनी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ नहीं होगा, ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी में मैंने सच में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली हो। कभी हार ना मानना, चुनौती का सामना करना, यहाँ तक कि तुमने तो मेरी माँ से भी लड़ लिया मेरे लिए। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा शक्तियाँ हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है आकाश। विशाखा, मेरा वो ग्रे वाला नाइट सूट कहाँ है? विशाखा, क्या सोच रही हो तुम विशाखा? जानवी के बारे में सोच रही थी कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है। एक बच्चे पे सबसे पहला हक उसके माँ बाप का होता है, और हम जानवी से उसका बच्चा तो छीन ही रहे और वो हक भी छीन रहे। हाँ विशाखा, क्योंकि अगर जानवी को बताया तो अबॉर्शन के लिए कभी तैयार नहीं होगी। जानती हूँ मैं, क्योंकि वो भी वही सोचेगी जो मैं सोच रही हूँ कि एक मासूम बच्चे से हम उसका हक कैसे छीन सकते हैं, हम कैसे उससे इस दुनिया में आने से रोक सकते हैं। माँ ना बनने का दर्द मैं समझती हूँ पृथ्वी, और मैं नहीं चाहती कि जानवी ऐसे किसी भी दर्द से गुजरे। पता नहीं हम शायद भावुक होकर जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा ले। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वो जो बच्चा उसकी कोख में पल रहा है वो खतरा है, ऐसा खतरा जो उसकी जान ले सकता है, जिसे वो अपने खून से सींच रही है। विशाखा, क्यों नहीं जानवी को हम कोई ऐसी गोली या दवा दे दे जिससे जानवी को पता भी ना चले और वो बच्चा अपने आप ही जाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी आपने ही कहा कि वो सतरूपा का अंश है, एक शैतानी ताकत है जो जानवी के अंदर बड़ा हो रहा है। अगर हमने जानवी को कोई गोली दी तो वो जानवी की जान खतरे में हो सकती है। पृथ्वी, हम नहीं कर सकते ये। ठीक है विशाखा, फिर उस बच्चे को गिराने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें डॉक्टर से बात करनी ही होगी। हमें कैसी मुश्किल में डाल दिया है, हम एक माँ को बिना बताए उसके बच्चे की हत्या करने जा रहे हैं। इतने बड़े पाप का प्रायश्चित हम कैसे करेंगे पृथ्वी? मैं समझ सकता हूँ विशाखा, ये तुम्हारे अंदर की माँ बोल रही है, लेकिन अगर जानवी को जिंदा रहना है तो उसके अंदर की माँ को मरना ही होगा। चलो, रात बहुत हो गई, तुम भी सो जाओ, ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो नहीं तो और परेशान होगी। और ये बात कानो कान शत्रुपा को पता नहीं चली चाहिए, नहीं तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। वीर, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? वीर, वीर, कहाँ जा रहे हो तुम? तुमसे दूर जा रहा हूँ प्राची, ताकि थोड़ी सी शांति मिल सके। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, आप और नहीं रह सकता मैं। अलोक प्राची, मुझे थोड़ा टाइम और थोड़ा सा स्पेस चाहिए ताकि सोच सकूं कि आगे करना क्या है। आगे क्या करना? वीर, वीर, प्लीज प्लीज मत जा, प्लीज हम बात कर सकते हैं ना? अगर हमारा रिश्ता उलझ गया तो हम सुलझा भी तो सकते हैं। प्राची, मुझे जाने दो, और हम दोनों के लिए यही ठीक है। जाना, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूंगी, मिन्नतें करूंगी? नहीं वीर, भाड़ में जाओ और मुझे दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम सोच रहे थे ना कि आगे क्या करना है, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देती हूँ।
मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसके बाद हम दोनों अपने हिसाब से जो भी करें, हम आजाद हैं। तलाक? हाँ तलाक। मैं तुम्हारे जैसे साइको के साथ और नहीं रह सकती। लड़ और लड़। साइको? तुम मुझे साइको बोल रही हो? हाँ, क्योंकि तुम हो। अगर मुझे ये सब शादी से पहले पता होता तो मैं इतनी बड़ी गलती करती भी नहीं। गलती मुझसे हो गई प्राची, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और साइको मैं नहीं, साइको तुम हो। दिन भर दिन दिमाग खराब होता जा रहा है तुम्हारा। तुमने मुझे पागल बोला? निकलो यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? निकलो, चलो। ये प्राची भी अजीब है, पहले खुद रोक रही थी और अब फिर मुझ पर ही चिल्लाने लगी। खुद तलाक की बात ले आई जबकि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कितना आसान हो गया उसके लिए सब कहना। उसे तलाक चाहिए ना, तो ठीक है, तलाक ही सही। वीर, वीर, तुम कहीं मत जाना। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो शायद शत्रुपा ने तुम्हें डरा दिया, इसलिए तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं। उसका डर निकाल दो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब आप जाग ही गए हैं तो आपकी खिदमत में हम एक आलीशान ब्रेकफास्ट पेश करना चाहते हैं, खुद बनाकर। तुम और ब्रेकफास्ट? तुम्हें पानी उबलने के अलावा और क्या आता है? अरे आप मुझे समझती क्या? अरे इतने सालों से इंसानी दुनिया में रह रहा हूँ, सब आता है हमें। और ज्यादा भूल रही है, ये इतना बड़ा होटल जो है मैं ही चलाता हूँ। पर होटल और किचन में खाना बनाना, ये दोनों सेम सेम नहीं है जी। अच्छा, आपको दिखा देते हैं आज हम। ओके चले, कम जो तूने देखा वो कोई बुरा सपना नहीं था जानवी। तूने अपने आने वाले कल को देखा है। जैसे जैसे ये बच्चा तेरे अंदर बढ़ रहा है, वैसे ही उसकी शक्तियां भी बढ़ रही है। इसलिए उसने आने वाले कल की झलक दिखाई है तुझे, चेतावनी दी है। इससे पहले कि ये बच्चा मेरे रास्ते का कांटा बन जाए, मुझे उसको खत्म करना होगा। नहीं दीपांक, मैं यहां नहीं रुक सकता। और आप भी मुझे मत रुकिए। धोखा हुआ मेरे साथ। आप सबको उसके दिमागी हालत के बारे में पता था, किसी ने मुझे नहीं बताया। मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबसे क्लोज फ्रेंड जानवी ने भी नहीं बताया। मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे जाने दीजिए। नहीं वीर, इस वक्त प्राची को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। ऐसी हालत में उसे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। मेरी जरूरत, देखा कैसे बिहेव किया उसने मेरे साथ। दीपांक, बातें सुनी आपने उसकी? हाँ, मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा मैंने। फिर भी आप बोल रहे हैं कि? हाँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, उसे तुम्हारी जरूरत है। जिस प्राची से तुमने प्यार किया, क्या वो ऐसी थी जैसा वो बिहेव कर रही थी? नहीं ना, क्योंकि ये वो प्राची है ही नहीं। प्राची को डायन ने अपने वश में कर लिया है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। क्योंकि क्योंकि मानवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मानवी को भी डायन ने अपने वश में कर लिया था। इसी तरह मैंने सब कुछ देखा है। वो भी बात बात में चिढ़ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, पागल हो जाती थी। ये सब मुझे नजर आ रहा है। आज रिम्पी कितनी प्यारी लग रही थी ना सोते हुए। मुझे तो तुम प्यारी लगती हो। सच्ची? सच मुझे भी तुम बहुत प्यारे लगते हो। तूने मुझे छुआ कैसे? छुआ कैसे तूने मुझे? मानवी, निकल यहां से। मानवी, मानवी प्लीज, मानवी प्लीज, मुझे छूने की हिम्मत मत करना आज के बाद। मानवी, क्या हो गया? मानवी, क्या हो गया तुम्हें? मानवी शांत हो जाओ। मानवी छूना नहीं मुझे। मानवी, मानवी शांत हो जाओ। मानवी, तुम ना एकदम बुढ़े होते जा रहे हो, अनरोमांटिक। मानवी ये बताओ,
कि ये प्यार मेरे लिए है या फिर किसी बाहर वाली के लिए? तुम्हारे लिए। बताओ मुझे किसके लिए है ये प्यार? मानवी, मेरे लिए है कि बाहर वाली के लिए है? तू मुझसे प्यार नहीं करता ना? कौन मुझे नहीं प्यार करता ना मुझसे? तो नहीं मानवी, नहीं करता मुझसे मानवी। मानवी, I love you। मानवी, मानवी, शांत हो जाओ मानवी, प्लीज मानवी। I love you। नहीं प्यार करता मुझसे। वो भी मुझसे अजीब अजीब बातें करती थी, कभी कभी तो मैं डर जाता था। तुम्हें पता है उसने मुझसे तलाक की बात की थी, वो भी मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, उसी तरह जैसे आज प्राची ने तुमसे बात की। मुझे तलाक चाहिए अभी के अभी। मानवी, नहीं तो तुझे और खुद को दोनों को खत्म कर दूंगी, समझा? मानवी, हमेशा हमेशा के लिए। पर ये सब देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि प्राची भी डैन के वश में, उसी तरह जैसे मानवी थी। मुझे प्राची में मानवी दिखाई दी, आंखों में वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ाहट जो मानवी में थी। और सच कहूं ये वो प्राची नहीं है, वो वही कर रही है जो डायन उससे कह रही है। प्राची बिचारी को तो पता भी नहीं, उसे मालूम भी नहीं कि वो क्या कह रही है तुमसे। मेरी बात का यकीन करो। तुम्हें पता है जानवी ने मंडप में क्या कहा था? तुम्हारी माँ ने प्राची पर जादू किया है अपने वश में करने के लिए। लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो सही कह रही थी। मुझे भी ये लगता है पर आकर्ष ने अच्छे से चेक किया था और बोला था कि प्राची किसी के वश में नहीं है। आकर्ष कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डायन अमर हो चुकी है, बहुत शक्तिशाली हो चुकी है वो। आकर्ष की पहुंच से बहुत आगे है वो, कुछ भी कर सकती है। मेरी बात मानो वीर, तुम डायन के जाल में मत फंसो। वो चाहती है कि तुम यहां से जाओ, ऐसा मत करो। प्राची को छोड़ के मत जाओ प्लीज। वीर, मैं चाह कर भी मानवी को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हारे पास वक्त है, मौका है, तुम प्राची को बचा सकते हो। तुम्हें उसका साथ देना होगा वीर, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। तुमने प्राची से प्यार किया है, उससे शादी की है, साथ फेरे लिए, जीने मरने की कस्में खाई है। एक एक हवा के झोंके से इस रिश्ते की नींव को हिलने मत दो वीर, बल्कि इसे और मजबूत करो। प्राची का साथ दो। जो वचन तुमने उसे दिया है उसे निभाने का वक्त आ गया है वीर। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे रिश्ते की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में। पृथ्वी, क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है, पृथ्वी रास्ते में आ रहा है। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जानवी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जानवी को बताए बिना करें, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम जिंदगी भर के लिए उसके दोषी हो जाएंगे। अरे हम ये सब कर रहे हैं उसकी जिंदगी बचाने के लिए, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। इसके लिए मुझे कड़वे से कड़वा घूंट भी पीना पड़े तो मैं पीऊंगा। हाँ, जानवी इसके बाद हमारी शक्ल नहीं देखेगी, लेकिन कम से कम वो हमारे नजरों के सामने जिंदा तो रहेगी। पृथ्वी, हमने बहुत डॉक्टर से बात की लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। एक तो वैसे भी ये गैर कानूनी है, ऊपर से हम जो डॉक्टर को ये केस बता रहे हैं उसे लग रहा है कि हम कोई झूठी कहानी बना रहे हैं। बहुत मुश्किल से सिर्फ एक डॉक्टर मानी है, पर उसकी भी एक शर्त है। वो कह रही है कि पहले वो जानवी की सोनोग्राफी करेगी और अगर उसे कोई खतरा लगा तो ही अबॉर्शन करेगी। खतरे वाली बात तो है ही है, लेकिन करना जरूरी है, हमें और देर नहीं लगानी चाहिए। कैसे करेंगे? इसके लिए ना जानवी तैयार होगी और ना आकर। वो मैंने सब सोच लिया है, हमें आकर्ष और जानवी को कुछ दिनों के लिए अलग करना होगा। आकर्ष को हम कहीं बाहर भेज देंगे और जानवी को उसके बाद हम संभालेंगे। हाँ, और हमें जानवी को सब सच बताने की जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ उससे ये कहेंगे कि हम एक नॉर्मल सोनोग्राफी के लिए लेके जा रहे हैं उसे। लेकिन ये सब हम तभी कर पाएंगे ना जब आकर्ष को कहीं भेजेंगे, और इस हालत में जानवी को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ब्रजेश चाचू, ये काम आपको करना होगा। आप आकर्ष और जानवी को एक दूसरे से अलग करेंगे। देखो पृथ्वी, मैंने इस पाप के लिए हाँ जरूर कहा है, लेकिन तुम इसमें मुझे भागीदार मत बनाओ। मुझसे नहीं होगा ये सब। और वो भी आकर्ष,
मुझे पहले ही उससे बहुत डर लगता है, मैं नहीं करूंगा ये सब। ब्रिजेश चाचू, ये डरने का नहीं कुछ करने का वक्त है। जानवी के लिए हमें ये करना ही होगा। आपको याद है ना, आपने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने आपकी मदद की थी। अब आपकी बारी है ब्रिजेश चाचू। आकर्ष सिर्फ आपकी बात मानेगा और उसे क्या कहना है मैं आपको बताता हूं। Wow. I am impressed. Well, the ready sandwich for you. Not bad. तुम्हें तो किचन का सारा काम आता है। My husband, no? And I'll make you a juice now. And here's a fresh juice for you. Thank you. Thank you. वैसे किचन का काम तो तुम्हें आता है, लेकिन परफेक्ट होने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब तो मुझे रोज करना है तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। True that. वैसे बच्चू, तुम्हारे पापा की तरह ना तुम काम चोरी बिल्कुल भी मत करना। ओए छोटे, मम्मी की बात मत आना। अब देखना पापा कैसे बिना जादू के भी काम कर सकते हैं। अच्छा? Yes? कैसे? नहीं, मुझसे नहीं होगा। कितने खुश हैं वो दोनों उस बच्चे को लेकर, कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपसे नहीं होगा, आपने कहा ना, उस बच्चे के लिए बहुत खुश है। और वही बच्चा जानवी की जान ले लेगा। आप जानते हैं ना, फिर आकर्ष किससे प्यार करेगा, किससे? ब्रिजेश चाचू, जब दो प्यार करने वाले साथ साथ कदम बढ़ाते हैं तो अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं। जानवी और आकर्ष भी अपने हिस्से की खुशी ढूंढ लेंगे ब्रिजेश चाचू। लेकिन अगर इस बच्चे की वजह से जानवी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे बताइए? सब कुछ खत्म हो जाएगा ब्रिजेश चाचू। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये जानवी के लिए कर रहे हैं ब्रिजेश चाचू, जानवी के लिए कर रहे हैं। और अब हमारे हैंडमेड जूस की बारी है जो हमने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है। नहीं बना? बहुत अच्छा बना है। चाचू जूस ट्राई कीजिए ना, बहुत अच्छा बना आकाश ने। नहीं बेटा, तू पी ले तू। क्या बात है चाचू? ऐसे बेटा मुझे एक बात करनी थी कुछ।
बोलिए ना चाचू, क्या कहना चाहते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात शुरू करूं। दरअसल बताइए ना चाचू, क्या बात है? दरअसल क्या है कि मुझे एक बाबा के बारे में पता चला है, जिनके पूर्वज राजा वरिंद्र के राज दरबार में मुख्य पंडित थे। मुझे पूरा यकीन है कि सतरूपा को अपने काबू में करने का उनके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। आखिर राजा ने भी तो सतरूपा को अपने कब्जे में किया हुआ था, और ये ऐसी विद्या है जो वक्त के साथ साथ वंश में आगे बढ़ती रहती है। तो मुझे लगता है कि हमें जाकर उस बाबा से मिलना चाहिए। लेकिन चाचू, मैं जानवी को इस हालत में छोड़ के कह नहीं जा सकता। एक काम कीजिए, आप बाबा को यहीं बुला लीजिए। वो यहाँ नहीं आएंगे। मेरा मतलब है कि उनके जो वंशज हैं, उन्होंने राज दरबार में सेवा की है, तो इस बात का उन्हें आज भी गर्व है, तो वो किसी से मिलने जाते नहीं हैं। हमें जाना पड़ेगा। तो चाचू फिर रहने दीजिए, और वैसे भी हम सतरूपा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती है वो। आकर्ष, वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन हम तो मामूली लोग हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि जानवी और उसके होने वाले बच्चे पर उसका मनहूस साया पड़े। मान जाओ मेरी बात, मेरे साथ चलो बाबा के पास। आई थिंक चाचू सही कह रहे, एक बार मिलने में क्या अर्ज है? और वैसे भी हम सब जानते हैं कि सतरूपा कितनी खतरनाक है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। एक बार जाके मिल के आ जाओ, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पूरे घर वाले हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी फिक्र मत कर। आकर्ष, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है चाचा। जी आपको सारा फिनिश करना है, आपको पता नहीं, आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी खाना है, डबल डबल। ओके। आकर्ष मान गया, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू विजय चाचा, जय मामा का। अब सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक होगा, चलिए चल के सबको बता देते हैं। एक और बार वीर को तकलीफ दी, उसे नुकसान पहुंचाया। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि डैन के काबू में ना हो, लेकिन मैं उसे कैसे रोकूं? कैसे बताऊं तुम्हें वीर कि हमारे बीच जो भी हो रहा है डैन की वजह से हो रहा है? कैसे बताऊं तुम्हें? डैन की वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, वीर मुझे छोड़ के चला गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे लिए तेरा काम पूरा हुआ, ऐसे ही मैं तेरे परिवार की हर खुशी छीनती रहूंगी। नहीं रह सकती मैं, वो चला गया तो सब कुछ खत्म, मैं नहीं रह सकती। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? लव यू प्राची, लव यू, ये छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा प्राची। इंसान इतने कमजोर और कमजोर क्यों होते, में शर्म नहीं कि इतना सब कुछ होने के बाद वो प्राची को छोड़कर नहीं जा रही। लीच की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके साथ रह रहे के मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया। अब इस प्राची का कुछ करना होगा, उसकी अकल ठिकाने लगाने होगी। मौका मिला नहीं तो फिर आगे हाथ चलाने, गंदे हाथ अपने पास रखो। और तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। Get out! वरना मैं जानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है तुम नहीं कर रही हो, ये जहन तुमसे करा रही है प्राची। पर मैं अब इस जहन को हमारे प्यार के बीच में नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं इस जहन को कभी नहीं जीतने दूंगा।
सुना तूने? मैं तेरे गंदे खेल समझ गया हूँ। तू मुझे और प्राची को कभी अलग नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं। सुन ले डायन, तू हारेगी। तू इसकी इतनी हिम्मत, मुझे चुनौती देगा? मैं कहता तू मुझसे प्यार करती है प्राची। प्राची मैं डायन को हमारे पैर के पीछे नहीं आने दूंगा। प्राची तुमने, मैं तुम्हें मेरे और प्राची के बीच में कभी नहीं रहूंगा। तू हारेगी। कायर है तू। प्राची के पीछे चुपके वार कर रही है मुझसे। देख मुझे, मैं तुझे बोल रहा हूँ, जीतने नहीं दूंगा तुझे मैं। तू हारेगी। तू क्या कहा तुम? कायर। अभी बताती हूँ तुझे। हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। प्राची इनको प्यार की ताकत नहीं पता, इसको ये नहीं पता इसकी नफरत से बड़ा हमारा प्यार है। प्राची मैं हमारे प्यार को कभी नहीं आने दूंगा। प्राची नफरत हो रही है। हमारा प्यार जीतेगा, हम जीतेंगे। प्राची की ताकत देख, मुझे पता है जानवी को अपने बेटे से अलग नहीं कर पाई, लेकिन मैं किसी भी प्यार करने वाले को एक साथ नहीं होने दूंगी। वो प्राची कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। तेरी ये हालत देख जानवी तड़पे की, अपना बता लूंगी। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना, सबसे कीमती और इकलौता बेटा। क्या करती है? मेरे आने का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे पीछे से कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। और अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना जरूर। हाँ बाबा, कौन सा तुम सालों के लिए जा रहे हो, अभी तो वापस आ जाओगे। पूरी बहन की तो बात है, चुकी जिस चिल में पूरे घर वाले है मेरा ध्यान रखने के लिए। आकाश चले चल। अरे भाभी आप आइए ना। जानवी, आकाश कहीं बाहर गया है? हाँ कुछ काम से गया है। कुछ काम था? हाँ वो एक्चुअली हमें डॉक्टर से मिलने जाना था ना, तो हम चाह रहे थे कि आकाश भी साथ चले। डॉक्टर से मिलने? कौन से डॉक्टर? अरे सोनोग्राफी के लिए। जानवी किसी ने बताया नहीं तुम्हें? वो क्या है ना जानवी,
कि बच्चा तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से पल रहा है, तो हर हफ्ते सोनोग्राफी कराना बहुत जरूरी है। ये तो पता चले कि बच्चा ठीक है कि नहीं, कितना बड़ा हुआ। इसीलिए अब से हमें हर हफ्ते सोनोग्राफी के लिए जाना है। हाँ, बहुत जरूरी है भाभी। हम सोनोग्राफी के लिए कल जा सकते हैं प्लीज, बिकॉज आज आकर्ष भी नहीं है इसके लिए, और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मैं ये खुशी उसके साथ भी बांटना चाहती हूँ। वो बहुत एक्साइटेड है, वो बच्चे को पहली बार देखेंगे तो और खुश हो जाएंगे। हाँ जानवी, मैं समझ सकती हूँ, पर हर चीज़ को भावनाओं के साथ नहीं जोड़ते, कुछ काम ज़रूरी भी होते हैं। और ये ना वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है, बहुत मुश्किल से ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है, अगर आज कैंसिल कर दी ना तो फिर पता नहीं कब मिलेगी। हम एक काम करते हैं ना, आज हम चले जाते हैं और जब अगली अपॉइंटमेंट होगी तब आकर्ष को भी साथ ले चलेंगे, ठीक है? है ना मामी जी? बेटा बहू ठीक कह रही है, बच्चे का मामला है ये, तेरी कमजोरी, बार बार बेहोश होना, हम लोग नहीं चाहते कि बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है भाभी, लेकिन अगर आकर्ष नाराज हो गए तो आप संभाल लीजिएगा। हाँ वो मैं देख लूंगी, अब चले। चलो से तू मेरी बेइज्जती, मेरी भक्ति करेगा। आज मैं तुझे डायन बनाऊंगी, फिर अपने वश में करके उसी घर में भेजूंगी। उन्हीं लोगों के बीच में रहेगा और वफादारी मेरी करेगा। राजी का प्यार उसका दुश्मन बन के रहेगा, और फिर अपने ही हाथों से उसका गला दबाकर से मौत डालेगा। अब आएगा खेलने मजा। तुम मुझे डायन बना सकती है, डायन बनाकर मेरे दिमाग पर हावी हो सकती है, पर मेरे दिल पर नहीं। प्यार करता हूं मैं प्राची से, और डायन बनकर भी उससे ही प्यार करूंगा। कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा उसे मैं, कभी नहीं। अब से तू सिर्फ मेरे इशारे पे चलेगा। तुझे मुझे डायन बनाना ना, अपने बेटे को तो रोक नहीं पाई प्यार करने से, मुझे क्या रोकेगी? बना दे मुझे डायन, मैं तब भी प्राची से सिर्फ प्यार करूंगा, उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। बेवकूफ मूर्ख, देंगे एक बार हर्ष को आ जाने दे, फिर तुम दोनों को डायन बनाकर तुम दोनों के जरिए मैं उस परिवार को मिटा दूंगी। यही रोको, यही रोक दो। चाचू वो पंडित यही मिलेंगे क्या? हाँ वो इधर ही मिलेंगे, आइए जल्दी आइए। चलो अब तक वक्त मिल गया होगा उन्हें जानवी को हॉस्पिटल ले जाने का, मुझे कुछ देर और आकर्ष को उलझा के रखना होगा।